पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज मदर्स डे के शुभ अवसर पर भगवती देवी जूनियर हाई स्कूल काजीसराय मुरादाबाद में विद्यालय की प्रबंधिका शिप्रा दीक्षित द्वारा वीएम हेल्थ केयर के सहयोग से एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन विद्यालय के प्रांगण में किया गया। चिकित्सा शिविर में वरिष्ठ डायबिटिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरिकृष्ण भारद्वाज जी द्वारा अपना महत्वपूर्ण समय देकर मरीजों का निःशुल्क चेकअप करके निःशुल्क मेडिसिन उपलब्ध कराई गई। कैंप में डॉक्टर एच के भारद्वाज के द्वारा उनके सहयोगी के रूप में बीके शर्मा विशिष्ट अतिथि के नाते उपस्थित रहे। डॉक्टर एच के भारद्वाज द्वारा मरीजों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान पार्षद वार्ड 47 डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव और मंडल मंत्री भाजपा आकाश भारद्वाज उपस्थित रहे। कैंप के आयोजन में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुनीता भटनागर, अनीता सक्सेना, स्नेहा दीक्षित का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कैंप में 120 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और मेडिसिन डॉक्टर एच के भारद्वाज द्वारा दिया गया। अंत में विद्यालय की प्रबंधिका शिप्रा दीक्षित द्वारा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एच के भारद्वाज और उनके स्टाफ का विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया गया। मेरे को मेरे गुरु ने ये बताया है कि आप तीन चीज का दान अगर करते हैं तो वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अन्नदान, शिक्षा दान और औषधि दान। तो शिक्षा दान हम लोग कर ही रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, जिस तरीके से भी जितनी भी अपने तरीके से मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं कर रही हूँ, और बाकी औषधि दान और आज अनुदान, इसका अनुदान का भी वितरण हम लोग समय समय का करते रहे विद्यालय में, विद्यालय से अलग हट के भी करती रही हूँ। लेकिन रहा औषधि औषधि का, तो ये आज आपके सामने हुई रहा। आप स्कूल के मन से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 300 रुपये 400 रुपये हम लोग फीस नहीं दे पाते क्लिनिक पे जाके, वो भी हमारे लिए रहती है। तो लेकिन मदर डे हम मनाते हैं, तो हम स्कूल के हर स्कूल वालों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो मदर डे पे या उसके आसपास में कोई ऐसा दिन निश्चित करें कि माओं के लिए निशुल्क उनका चेकअप रहे, हेल्थ चेकअप रहे, जिससे कि वो पूरे दिन मेहनत जो करती हैं उनको हम अनदेखा करते हैं, तो वो मेहनत हमारी होनी चाहिए उनके प्रति भी। आगे भी इस तरह की सेवाएं जारी रहेंगे? हाँ, आगे भी रहेंगी, जितना हमसे करवा सकते हैं। तो करने वाले, प्रेरणा देने वाले ईश्वर हैं, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जनमानस से भी क्या अपील देंगे अपने इसमें? यही है कि जो शिविर के माध्यम से हम लोग कैंप लगते हैं, जहाँ भी लगते हैं वहाँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समय दें, और अच्छे डॉक्टर अगर बैठते तो उसको छोड़े ना, क्योंकि ये जो एच के भारद्वाज जी ने हमारे यहाँ लगाया है, ये अच्छे फिजिशियन हैं और इनका मतलब स्वार्थ नहीं है ज़्यादा। मैंने ऐसा नहीं, बहुत डॉक्टर, मेरा भी ट्रीटमेंट काफ़ी डॉक्टर से चला, तो मैंने देखा है कि काफ़ी कहीं ना कहीं पैसों को महत्व देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर ऐसे निकले थे जिन्होंने मेरे को कभी पैसों का महत्व ना देते हुए अपना वर्क कम्प्लीट करा। वार्ड नंबर 47 से सागर सिराज से निवर्तमान पार्षद। आज भगवती देवी जूनियर हाई स्कूल की प्रबंधक और वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमती शिवप्रद जी द्वारा मदर्स डे के शुभ अवसर पर इस वार्ड के क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे क्षेत्र की निर्धन महिलाएं माँ शक्ति अपना आकर यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले सके। जल्द ही समावरी समाज सेवी प्रदीक्षित जी द्वारा डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके जो भी नियरेस्ट डेट होगी उसमें ये कैंप द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छी पहल वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती शिप्रा दीक्षित जी द्वारा की गई है। मैं चाहूँगा कि समस्त महानगर में हर तरफ ऐसे कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए। जैसा मुझे पता लगा है, लगभग 40 मरीज अभी तक देखे जा चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि मरीज आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और आज मदर्स डे है तो माँ शक्ति यहाँ अधिक से मदर्स डे के उपलक्ष्य में वीएम हेल्थ केयर की टीम, गांधीनगर वीएम हेल्थ केयर की टीम की तरफ से यहाँ काजीसराय में स्थित भगवती देवी जूनियर स्कूल में आज हमारे कैंप का स्थापन करा गया है। इसके लिए हम शिप्रा दीक्षित जी का धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद। यही उद्देश्य है कि हम समाज की सेवा कर सकें, और इस कैंप में हम फ्री शुगर की जांच, न्यूरोपैथी की जांच और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांच, ये सब जांचें मुफ्त में कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जांचें कराकर और सही इलाज ले सकें। ये कैंप अब तक हम लगभग 40 मरीज देख चुके हैं,
और ये कैंप सवेरे 10 बजे से चल रहा है और लगभग 2 बजे तक चलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के कैंप जारी रख सकें और जनता की सेवा कर सकें। देखिए, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे इलाज धीरे धीरे पनप रहे हैं और साइंटिस्ट के द्वारा लाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी दिनचर्या और खान पीन की आदतें। अगर हम इस सब में चेंज कर सकें तो इन सब बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, अन्यथा और रोकथाम की जा सकती है। लेकिन सही समय पर जांचें और सही समय पर बीमारी का पहचान ही इस बीमारी को कम कर सकता है। तो क्या है, इसमें शुगर हो गई और कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब से हार्ट की तकलीफें और फालिस वगैरह ये सब तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो ज़रूरी है कि इन सबको सही समय पर रोकथाम करके इलाज सही से लिया जा सके। सबसे ज़्यादा जो इसका बीमारी ख़त्म ना होने के कारण है वो है मरीजों द्वारा या लोगों द्वारा इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता ना होना, या अज्ञानता ही ज़्यादातर इसका कारण है। लोग इस बीमारी की वो पहचान नहीं पाते हैं या इस बीमारी की सीरियसनेस को नहीं समझ पाते हैं, जो अपना इलाज ठीक से। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपने खान पीन के तरीकों पर ध्यान रखें, व्यायाम करें, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक वगैरह ये सब करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चलें, और कोशिश करें कि खान पीन में तेल की चीज़ें और शुगर वाली चीज़ें, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उस पर थोड़ा कम दें, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों से रोका जा सकता है। हम कैंप के माध्यम से आप लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि स्वस्थ रहें, बस यही आशीर्वाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।